मन की बात करता है, ढंग की कभी बात किया है क्या? आपके बच्चे के लिए रोजगार बताया है क्या? शिक्षा बताया है क्या? जो अपना ले रहा है वो गारंटी नहीं लिया, वो देश का गारंटी लेगा क्या? देश में आग लगवा दिए मोदी, जो 56 इंच का सीना है वो ना मर्द है, यही है पहचान। खुद भ्रष्टाचारी मोदी सरकार मंगलसूत्र में वोट मांग रहे हैं, अपना मंगलसूत्र तो आगे फेंक दिया। भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा मोदी जी ने किया है, बीजेपी के लोगों ने किया है। मोदी जी ने दौरा किस लिए किया है? देश को गुलाम बनाने के लिए। 4 जून जो ना नफरत मुक्त भारत होने जा रहा है, नफरत है। देश के प्रधानमंत्री मंच से कैसी भाषाएं बोल रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? तरह तरह के भाषण दे रहे हैं, कभी घुसपैठिए, कभी मंगलसूत्र छीनना। अगर आप रोजगार पर बात करो, आप शिक्षा पर बात करो, आप स्वास्थ्य पर बात करो, अब देश की जनता आपके कहने में गुमराह नहीं होगी। एक भारत में एक मुख्यमंत्री है पढ़ा लिखा, गाय भैंस बकरी बकरिया पे वोट नहीं मांगता, काम पे वोट मांगता है। क्या कहेंगी, 21 दिन बचे हुए चुनाव में और 3 चरणों का मतदान हो चुका है, केजरीवाल बाहर आए हैं। अब आप देखिएगा कितनी लहर चल रही हैगी, अब केजरीवाल जी आए हैं। अब जो हमारा काम 24 घंटे हो रहा था, केजरीवाल जी ने कहा है कि वो पूरे 36 घंटे काम करेंगे, तो हमारी जनता का भी फर्ज बनता है उनका सहयोग करें। और आज बहुत ज्यादा खुशी की लहर है और इस बार तो अलायंस ही जीतेगी, आप देख सकते हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 2 बार में हम लोगों ने दिल्ली में सातों की सातों सीट जीती है, इस बार भी जो है हम अपनी सातों की सातों सीट दिल्ली की जीतने जा रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो जुमले हैं, वो तो जैसे हर तरह के जुमले बांट ही रहे हैं। आप देखिए वो 180 पार नहीं जा रहे, तो उनकी सरकार आ जाए, उनके वो जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सच्चाई से देखिएगा, आप देख सकते हैं उनकी, आपने रैली देखी है 10-15 जनों की रैली को वो रैली बोलते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आज एक कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस के नाम पे देखिए आज रैली, पूरा सैलाब यहाँ पे आया हुआ है। मैम क्या कहेंगी, केजरीवाल बाहर आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है और लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र की जीत हुई है जी, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम कानून जिंदा रखा है, कानून जिंदा रखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मौजूद हैं, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, हर तरफ जो है यह पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है। सर क्या कहेंगे, केजरीवाल बाहर आए हैं, 21 दिनों का चुनाव बाकी है, आधे से ज्यादा सीटों पे मतदान अभी बाकी है, केजरीवाल जो बाहर आए हैं उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या आप इसमें क्या कहेंगे? मुझे केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही कहा है, और सबसे बड़ी गलती जो है केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी जी ने की है। मोदी जी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आज जो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी को सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कि अगर कल हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। तो मोदी जी को सबसे बड़ा डर यही सता रहा है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये मोदी जी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह साबित कर दिया है कि जो है अभी कानून जिंदा है। तो कोई भ्रष्टाचार करेगा तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा मोदी जी ने किया है, बीजेपी के लोगों ने किया है। मणिपुर में महिलाओं का अपमान मोदी जी ने किया है, सबसे ज्यादा अपमान महिलाओं का मोदी जी ने किया है। तो कहना कि पिछले 50 सालों में जितने प्रधानमंत्री ने कुर्सी ने उतना दौरा नहीं किया हो जितना मैंने अकेले कर लिया है। मोदी जी ने दौरा किस लिए किया है? देश को गुलाम बनाने के लिए, और गुलाम बनाने के लिए और सारी दुनिया को यह करने के लिए कि लंबे समय तक अगर शासन करना है तो लोगों को गुलाम बना के रखो। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से केजरीवाल ने आके बाहर में बहुत बड़े आरोप लगाए कि मोदी जी जो ये चुनाव है खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, अमित शाह को बनाने के लिए लड़ रहा है। वो केजरीवाल जी का ये कथन बिल्कुल सत्य है कि ये जो चुनाव है, दिल्ली का ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल अपने बल बूते लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी ये अमित शाह को लाने लड़ रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बाद 75 साल के हो जाएंगे मोदी जी, और उनको सरकार छोड़नी पड़ेगी, उसलिए अमित शाह को लाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और ये गठबंधन के नेताओं को जो जो सरकार की सत्ता में खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालते हैं। इसीलिए भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछली 2 बारों से लगातार दिल्ली की 7 सीट पर हम जीतते आ रहे हैं, इस बार भी दिल्ली की 7 की 7 सीट हम जीतेंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन विजय हो रहा है, और बीजेपी की सारी सीटों पर जब्त हो जाएगी, आप देख लीजिए, लिख के रख लीजिए, दिल्ली में बीजेपी नहीं जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है। मैम आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कल जो आंधी आई है वो सिर्फ एक आंधी नहीं है, वो केजरीवाल जी की भावनाओं की आंधी को, विचारों की आंधी को साथ लेकर आई है, और 4 जून को इस आंधी के नतीजे आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना। अभी जिस तरह से केजरीवाल बाहर आए हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से अभी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी तरह से फिर वो अपने लोगों को योगी को खत्म करेंगे। दूसरा वो एक बात और कह रहे हैं कि हमने अपने जो है महिलाएं, आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी विंग है, तो उन्होंने कहा कि
कि हम मातृशक्ति को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। एक महीने पहले उन्होंने कहा था, ये किसने कहा था? मोदी जी ने कहा है कि मातृशक्ति को, महिला शक्ति को बचाने। आज तक पिछले 10 सालों में मातृशक्ति के लिए किया क्या है? क्या उन्होंने बच्चियों के स्कूलों के लिए काम किया है? क्या उन्होंने महिलाओं के वृद्धाओं के लिए काम किया है? काम किया है तो सिर्फ केजरीवाल जी ने किया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए कुछ भी काम हो। तो मोदी जी के तो सिर्फ जुमले हैं, उसमें कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह देखिए कैमरामैन है यहाँ पे, यहाँ एक और भाई है, क्या कहेंगे? केजरीवाल बाहर आ गए हैं, केजरीवाल बाहर आ गए और 4 जून जो ना नफरत मुक्त भारत होने जा रहा है। नफरत मुक्त भारत 4 जून को होने जा रहा है? बिल्कुल। तो क्या भारत में आज नफरत है? बिल्कुल नफरत है, नफरत है। आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मंच से कैसी भाषाएं बोल रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? तरह तरह के भाषण दे रहे हैं, कभी घुसपैठिए, कभी मंगलसूत्र छीनना। अगर आप रोजगार पर बात करो, आप शिक्षा पर बात करो, आप स्वास्थ्य पर बात करो, अब देश की जनता आपके कहने में गुमराह नहीं होगी। ठीक है सर, हम आपसे बात करते हैं। यहाँ एक महिला खड़ी है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक छोटे बच्चे ने जो है हल्की सी जो है केजरीवाल जी की मूछें, उनकी टोपी पहन रखा है इस बच्चे ने। मैम आप अपने बच्चे को इस तरह से लेके आई है, क्या कारण है आप बताए सर? क्या बच्चे को आपने जो है बिल्कुल केजरीवाल जी जैसा जो है छोटा केजरीवाल जो है यहाँ बना हुआ, तो क्या किस कारण आपने ऐसा किया है? देखो आज के टाइम में वो तो भ्रष्टाचारी है जैसा कि भाजपा आरोप लगाती है, जेल छोड़ चुकी है। आरोप तो कोई भी कुछ लगाता है, पर जब तक आरोप साबित ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। आपको पता है कि आरोप तो कोई भी किस पे लगा देगा, आरोप लगाने का मकसद नहीं होता, आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं, पर उसे साबित करना बड़ा जरूरी होता है। वो साबित नहीं कर पा रहे, कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, वो बाहर आए हैं, उसकी खुशी मनाने आए हैं, और ये मिलना चाहती थी अरविंद केजरीवाल जी से, और इससे अच्छा मौका हमें मिलता नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में आने वाले थे, स्पीच देने वाले थे, तो इसे मिलाने लाए थे हम लोग। अच्छा, आप लोग हमेशा कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, बसें फ्री की है, बिजली बिल कम किया, तो एक तरह से फ्री की रेवड़ियां जो है जनता को दे रहे हैं, इस पर आप क्या? फ्री नहीं है क्या? 5-5 किलो राशन फ्री नहीं लगता आपको? गरीबों के लिए ऐसे बीपीएल गरीबों के लिए ही तो कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी, गरीबों के लिए कर रहे हैं, क्या बताओ आप? आपको मना थोड़ा ना टिकट लेके सफर करने के लिए, जिनके पास पैसे हैं वो टिकट लो और अपना सफर करो, और जिन्हें सब्सिडी छोड़नी है वो छोड़ दो, तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऑप्शन भी दे रखे हैं, अगर आप पैसे वाले हो, आपको आपका मन नहीं करता फ्री की कुछ लेने के लिए, आप छोड़ सकते हो। पर देखो रेवड़ियां आप देखो ना, भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ देती है तो वो कहते हैं कि हम तो गैस फ्री दे रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, तो वो रेवड़ियां नहीं है। अरविंद केजरीवाल कुछ देता है तो वो रेवड़ियां। मैम सीधे सीधे आपसे एक सवाल है, मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली में भाषण दिया था, तो उन्होंने इंडिया अलायंस पे, कांग्रेस पे एक तरह से, और इंडिया अलायंस के दलों पे आरोप लगाया था कि अगर इनकी सरकार आती है तो महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लेंगे। एज ए महिला, एज ए फीमेल आप क्या कहेंगे? सर किसी में हिम्मत है जो मंगलसूत्र छीन लेंगे? मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, मोदी जी सरकार है, मोदी जी के तो इतने बड़े बड़े भाषण है, हम ही वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करा कुछ नहीं करा। उनका कहना है कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ कराया, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली बहन योजना, बहुत सारी चीजें। कुछ भी नहीं है सर, कहते हैं कुछ भी नहीं है वो चीज। तो पिछले 10 साल में आपको क्या लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है? ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो दिल्ली में जितना केजरीवाल ने दिया है वो कहीं भी नहीं, कहीं मतलब किसी सरकार ने कहीं नहीं दिया। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे एक भाई साहब, सर क्या कहेंगे? केजरीवाल छूट गए हैं, 21 दिनों का चुनाव बाकी है, 283 सीटों में मतदान हुआ है, और केजरीवाल बाहर आते के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि मोदी जी ये चुनाव जो अमित शाह को प्रधानमंत्री के लिए बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं अगर वो सत्ता में आते हैं। 100% सत बोलते हैं केजरीवाल, 100% सत बोलते हैं केजरीवाल, जनता और देश के हित में काम करते हैं केजरीवाल। आप बताओ क्या सवाल जवाब है? सवाल ये है कि केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार करते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट के जनता में उन्होंने अपनी लोकप्रियता बनाई है। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, चौथी पास देश का राजा की तरह नहीं काम करता है। पढ़ा लिखा एक भारत में एक मुख्यमंत्री है पढ़ा लिखा, गाय भैंस बकरी बकरिया पे वोट नहीं मांगता, काम पे वोट मांगता है।
उन्होंने तो सब कुछ फ्री कर रहा है, तो जनता पे किसी बोझ बढ़ता जा रहा है, सरकार कैसे चलेगी? जब सरकार जनता इतना टैक्स देती है, वो IRS है, केजरीवाल जी पढ़ा लिखा है, सब हिसाब लगा हुआ है कितना टैक्स जनता से आएगा, कितना जनता को फायदा पहुँचाया जाएगा। अब इनके पास में क्या है, बीवी ना है, बच्चे ना है, अब किसको कर रहे हैं, देश से बेच रहे हैं, क्या चीज खरीदी है मोदी जी ने बताओ? चौथा स्तंभ तुम जैसे मीडिया वाले खरीदे, चौथा स्तंभ तुम जैसे मीडिया वाले खरीदे, अब बिकते हो गए तो बता दो, खरीदे नहीं हो तो सच दिखा दो। आपको लग रहा है कि मीडिया सही काम नहीं कर रही है? 2014 के बाद विकलांग और पागल हो गई है मीडिया, खत्म, चौथा स्तंभ खत्म हो गया है। मीडिया वही दिखा रही है जो जनता बोल रही है, जो जनता में चल रही है। मीडिया बता रहे 300 करोड़ आरडीएस कहाँ से आया, जज लोया का कातिल कहाँ गया बताओ ना, जज लोया का कातिल कौन था, 300 करोड़ आरडीएस कहाँ से आया बताओ, काय पे वोट मांगे मोदी जी, योगी जी काय पे वोट मांगे? दिल्ली में होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे वार मोदी सरकार। हे भाई साहब, खुद भ्रष्टाचारी मोदी सरकार, मंगलसूत्र में वोट मांग रहे हैं, अपना मंगलसूत्र तो आगे फेंक दिया, तो मंगलसूत्र अगर कोई छीनेगा तो क्या वो आवाज नहीं उठाएंगे? तो अपने तो बचा ले, अपने तो बचा ले, 3 तलाक में मुद्दा ला रहे हैं, 1 तलाक में अपनी पत्नी रुकना रही, अपनी पत्नी रुकना रही, 3 तलाक। आप प्रश्न लटक फिर करने लगे, भाई साहब सच बोलने पर पाबंदी है क्या? अपराध है सच बोलना, आप बिके होते नहीं हो। उन्होंने पूरे परिवार को छोड़ा, तो भाई उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, घर को भी छोड़ा है, उन्होंने कहा कि देश की सेवा के लिए मैंने घर छोड़ा है। मर्द की नाबद की पहचान क्या है बताओ, मर्द के नाबद की पहचान क्या है, क्या है आप बताओ, आप बताओ, ज्यादा आप मीडिया वाले ज्यादा बताओ, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप मर्द की नाबद की पहचान क्या है? मेरा 40 इंची का सीना है, मैं मर्द हूँ, जो 56 इंच का सीना है वो ना मर्द है, यही है पहचान, यही है पहचान। बच्चे हैं जो 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 अपना लड़ाई को गारंटी नहीं लिया, वो देश का गारंटी लेगा क्या? चलाना मेरी अनिल पर अच्छी, ये कौन सा मन की बात करता है, ढंग की कभी बात किया है क्या? आपके बच्चे के लिए रोजगार बताया है क्या, शिक्षा बताया है क्या, देश में जो पेपर होती है लीक कैसे होती है, इनसे पूछो अग्निवीर ये क्या किए थे, देश में आग लगवा दिए मोदी घोटाले में, शराब घोटाले में खुद ने तो लिया रिश्वत, खुद ने तो लिए वो मुझे चंदा, और आरोप लगा दिया बेचारे पे, अरे वारे अशिक्षित प्रधानमंत्री हटाओ और देश को बचाओ, शिक्षा का अभाव है प्रधानमंत्री जी के पास, शिक्षित होते तो आज इंटायर पॉलिटिक्स में उन्होंने ऑनर्स किया है, जो कि अमित शाह ने डिग्री दिखाई हुई है मीडिया। अरे भाई साहब अमित शाह तो कादे कादे क्या है, कादे पास किया है, हमने साथ क्या दिखा दें और क्या हटा दें, इनको तो यही बताना है कि जज लोया का कातिल कौन है, देश का गृह मंत्री को ये पता नहीं है, देश की CBI ED को ये पता नहीं है कि जज लोया का कातिल कौन है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने बाद में आगे बाहर का आगे मीडिया कॉन्फ्रेंस करी थी कि देश का संविधान खतरे में है, बताओ किसका दबाव है, किसके नाम पे बोल रहे हैं? केजरीवाल बाहर आते के साथ उन्होंने जो है 140 करोड़ की जनता से देश का आशीर्वाद मांगा है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जो जनता है वो मेरा परिवार है, हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं 400 पार। मोदी जी का परिवार कैसे, आप बताओ थोड़ा सा, अपने देश को अपना परिवार कह रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं ना, वो झूठ ना बोले, आप बताओ, उनका लुगाई नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं है, काय परिवार, परिवार किसको कहते हैं, भारत माँ राष्ट्र को किसको कहते हैं, राष्ट्र की जनता नहीं रहेगी तो राष्ट्र का क्या होगा, राष्ट्र का बताओ ना, राष्ट्र 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 राष्ट्र, अरे फर्जी राष्ट्रवादी को हटाओ, देश को बचाओ, फर्जी राष्ट्रवादी को हटाओ, देश को बचाओ, गठबंधन की सरकार बनाओ।